नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। लालकुआ के अंतर्गत क्षेत्र मोटा हल्दू के हरिपुर शिवदत्त गांव में आध्यात्मिक गुरु रहे और दुष्कर्म के जुर्म की सजा काट रहे आसाराम का आश्रम बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी, अगर गांव में आसाराम का आश्रम बना तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर आश्रम निर्माण रोकने की मांग की है। यहां मोटा हल्दू क्षेत्र के हरिपुर शिवदत्त गांव में बन रहे विवादित आसाराम के आश्रम की भूमि पूजन करने आए आसाराम ट्रस्ट के लोगों का पूर्व ग्राम प्रधान हयात सिंह आर्य के नेतृत्व में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान ट्रस्ट के लोग वहां से फरार हो गए और इसके साथ ही ग्रामीणों और ट्रस्ट के लोगों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि गांव में विवादित बाबा का आश्रम किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वे जल्द से जल्द इस पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद विवादित आसाराम का गांव में आश्रम बनने से ग्रामीण नाराज हैं। गांव में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाँव में आश्रम के बनने से यहाँ की महिलाओं के साथ कोई घटना घट सकती है तथा महिलाएँ असुरक्षित रहेंगी। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जिस भूमि पर आश्रम बनने जा रहा है उस भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुस्तकालय बने, यही उनकी मांग है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ पर एक गाँव हरिपुर शिवदत्त कहलाता है, ग्राम पंचायत हड़ा गज्जर है। इसका विरोध पिछले दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोगों के माध्यम से हमने विरोध किया था इसका। हम इसको लगातार विरोध के, हर बार हमने इनको विरोध की बात कही और इनको कहते रहे, लेकिन ये बोलो माने नहीं। उसके बाद ये सब कुछ चलने के बाद, प्रशासन में चलने के बावजूद भी आज सुबह हमने देखा कि यहाँ पर 5-7 लोग आ करके यहाँ पूजा पाठ, फिर आसाराम की पूजा पाठ, वही कीर्तन भजन शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, हम सारे गाँव के लोग इकट्ठे होने के बाद हम लोगों ने इनका विरोध किया, जिसके बाद अभी भी लोग यहाँ से निकले हैं। क्या मांग करें प्रशासन? हम चाहते हैं प्रशासन, हमारी मांग है उक्त स्थल को, जो आसाराम ट्रस्ट को गया है, उक्त स्थल को बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के नाम से एक पुस्तकालय, इस गांव के जो हम निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ें, यहां पे एक पुस्तकालय का निर्माण हम कराना चाहते हैं। और उक्त पार्क को बुद्ध पार्क बाबा साहेब के नाम से एक पुस्तकालय की डिमांड हम लोग यहाँ पर करते हैं, ताकि हमारे गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा का स्तर मिले, शिक्षा बन सके। हेड़ा गज्जर से पूर्व प्रधान थी मैं, अपने कार्यकाल में इन लोगों को मैंने बोला कि आश्रम के लिए मुझे कई महिलाएं बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, तो इन लोगों ने सूचना देने के बाद भी मतलब अपनी मनमानी करी। इन लोगों ने सभी महिलाएँ बोली कि प्रधान जी क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आश्रम नहीं होने चाहिए। सभी महिलाएँ बोली कि हम आपके साथ हैं, तो आश्रम हम बिल्कुल इनकार कर रहे हैं आश्रम बनने से, सारे हम मन तन से हम ये आश्रम नहीं बनने देंगे यहाँ पर। रुद्रपुर के रामपुरा चौकी परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक दोपहर को दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि चौकी के पीछे पड़ी पत्तियों पर आग लग गई है। आग इतनी विकराल थी कि सिपाहियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग धीरे धीरे चौकी की ओर बढ़ने लगी। दमकल के जवान नवल कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि चौकी परिसर में आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की सूचना हमें रामपुरा चौकी, रुद्रपुर में रामपुरा चौकी पड़ती है, वहाँ पर मिली थी कि वहाँ पर आग लग गई है, और तुरंत मौके पर गाड़ी पहुँच गई और आके घटनास्थल पर आके तुरंत कार्रवाई करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। कितनी गाड़ी लगी? एक गाड़ी से हो गया था कंट्रोल, इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगली खबर हल्द्वानी से है। चुनावी साल में काला ढूंगी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई सड़कों की सौगात देने जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करीब 62 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करेगी, जिसके लिए शासन से बजट की मांग की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट मिलते ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत लालकुआं और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की 26 सड़कों के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जबकि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की 13 सड़कों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपये की डीपीआर
तैयार कर शासन को भेजी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से जल्द मिलते ही बजट का सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि योजना के तहत इन सड़कों का कायाकल्प किया जाना है। इसमें आंतरिक और मुख्य सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में जिन सड़कों का निर्माण होना था उन सड़कों का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट मिलते ही सभी सड़कों का कार्य शुरू हो जाएगा। लालकुआ विधानसभा में 9 कार्य सैंक्शन हो चुके हैं जिनकी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है और हमने 13 एस्टिमेट वहाँ भेजे हुए हैं, शासन को प्रेषित हो चुके हैं और उनकी भी लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 कार्य थे जिसमें हमने 5 कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कालाडूंगी विधानसभा की, तो कालाडूंगी विधानसभा में हमने इस साल 13 कार्यों को पूर्ण किया है और पिछले 3 वर्षों में 68 कार्य थे जिसमें हम 57 कार्य कुल पूर्ण कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 11 कार्य हम लोग मई या जून तक पूर्ण कर देंगे। और अगर हम आगणन की बात करते हैं तो हमने 26 आगणन तैयार किए हैं जिसमें 21 आगणन लाल शासन में जा चुके हैं और इनकी कीमत करीब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 12 करोड़ है और अगर हम लेंथ की बात करें तो करीब 62 किलोमीटर लेंथ की एस्टिमेट। कोटद्वार के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है जिसे रोकने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। दुगुट्टा बाजार के पास गोदी बड़ी गांव में घात लगाए बैठे गुलदार ने कल देर शाम 4 साल की मासूम माही को अपना शिकार बना लिया। माही देर शाम अपने आंगन में खेल रही थी, इसी दौरान गुलदार बच्ची को उठाकर ले गया। परिजन गुलदार के पीछे भागे तो गुलदार बच्ची को झाड़ियों में छोड़कर भाग गया। इस दौरान परिजनों के द्वारा घायल बच्ची को अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि घटनास्थल के पास एक माह पूर्व भी गुलदार एक बच्चे पर हमला करके घायल कर चुका है जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई थी लेकिन वन विभाग ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। वन विभाग की लापरवाही से ही इस बच्चे की मौत हुई है ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। अगर वह विभाग एक माह पूर्व ही गुलदार को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर देता तो आज यह सब नहीं होता, यह घटना नहीं घटती। लेकिन अब वन विभाग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, खानापूर्ति के लिए वन विभाग ने गांव में वन कर्मी तैनात कर दिए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। जंगलात की लाल परवाह है सबसे पहले, उसके बाद हम जब डुगुड्डा लाए फिर उन्होंने कहा 108 आएगी, उसके बाद बोलने बैठ गए 2 घंटे के बाद 108 नहीं आती मृत्यु आदमी के पास, तो पहले आप बोल देते कि 108 नहीं आ रही। ये सर बाकी अब क्या बोलने बताओ। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में एक बार फिर बसपा अपनी पकड़ बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुट गई है जिसके लिए बसपा ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूत कराने के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह लगातार ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्देश दे रहे हैं। काशीपुर पहुंचे मेघराज सिंह ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। यही नहीं, बसपा के जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे पार्टी उन्हीं पर दांव खेलेगी और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। डॉक्टर मेघराज ने कहा कि बसपा की रीति नीति से जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। पार्टी ने पहले भी अपनी ताकत का एहसास कराया है, अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास नहीं और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ यहाँ की उत्तराखंड की सरकार बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं बन सकती और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूरे क्षेत्र में मजबूती से लगे हैं और जहाँ पर कहीं कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। अच्छे कैंडिडेट का हम लोग जो है कई कई विधानसभा में हमारे कई कई लोग मिल रहे हैं, उनमें से जो जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको माननीय बहन जी से मिलवाया जाएगा। माननीय बहन जी से उनको आशीर्वाद के बाद में उनकी घोषणा की जाएगी और चुनाव से पहले ही हम सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा करने का काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।